Welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkar, where daily we host to have this session of news analysis. I hope you all are doing good. Things are fine at your place. Khush ho, swasth ho. Life is going good. Preparation achhi chal rahi hai. And इसी के साथ शुरू करते हैं आज का session, जिसमें ये कुछ articles हैं जो हमें cover करने हैं. And let's talk about them initially. पहले कैसे हम इस session में क्या क्या cover करेंगे, कैसे we will be proceeding further in this session. So एक रफ स्केच आपको दे देती हूँ, देन विल डिस्कस देम इन डिटेल. फर्स्ट इन न्यूज इज मालवीय मिशन. क्या है, क्यों है, किस लिए है, और अ वेरी फेमस नेम इन द मॉडर्न इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सो उनके बारे में भी जानेंगे. ये मालवीय मिशन नाम ही यहीं से आया है. अगर आप सबने हिस्ट्री पढ़ी हो तो सबने सुना होगा अबाउट मदन मोहन मालवीय. एक इंडियन एडुकेशनिस्ट, फ्रीडम फाइटर, मॉडरेट लीडर रह चुके हैं. सो उनके बारे में भी पढ़ेंगे और ये जो मिशन है इसके बारे में जानेंगे. प्रिलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, सो विल टेक दैट अप. कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, न्यूज में क्यों है? जो न्यूज में है ना वो है बिकॉज ऑफ अ डियर स्पीशीज. तो इम्पॉर्टेंट ये भी है और इम्पॉर्टेंट ये भी है, तो दोनों चीज़ों को कवर कर लेंगे ये आपके प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से. समिट इंडिया के अंदर अभी होने जा रही है G20 समिट, और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है जो ये समिट है एशियन इंडिया और ईस्ट एशिया समिट, इसके लिए गए हैं. तो हमारे लिए थोड़ा सा इसके फैक्ट्स को कवर करेंगे कि एशियन के बारे में सबने पढ़ा ही होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए वापस से रिवीजन हो जाएगी. इसका सेक्रेटरीट, इसकी फंक्शनिंग, कितने मेंबर स्टेट्स हैं, कब इस्टेब्लिश हुआ, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ईस्ट एशिया समिट क्या है. सो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अराइव्ड इन इंडोनेशिया टू अटेंड दी समिट, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. फिर उसके बाद अभी G20 की समिट होने जा रही है 9-10 सितंबर को दिल्ली के अंदर. उसके चलते हमने इसका पूरा इसका एक एनालिसिस एडिटोरियल के वे से वी हैव कवर्ड. लेकिन बाइडेन और मोदी टॉक्स टुमारो, सो ये किस बारे में बातें हैं, तो बेसिकली यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा आज इंडिया यूएस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है. और ये बातों में अब क्या होने वाला है समिट के बाद, ये जो बात दोनों जो मिनिस्टर्स हैं वो करेंगे, तो क्या हाइलाइट्स हैं, क्या कुछ होगा, थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे. आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आई विल बी गिविंग यू सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन राइट इन योर आंसर्स आल्सो, राइट. ओके, चर्चा का विषय क्या है? टाटा वॉन्ट्स टू बाय अ बिग पार्ट ऑफ हल्दीराम. सबने वो हल्दीराम की नमकीन आती है ना, ये पैकेट्स देख रहे हो, काफ़ी खाए होंगे बचपन में, अभी भी. अब तो वो 10 रुपए के पैकेट में भी आने लग गया है, हल्दीराम की भुजिया, हल्दीराम की ये नमकीन, ये काफ़ी स्टफ आता है, राइट. तो इवन हल्दीराम के स्टोर्स पे अगर आप कभी खाने गए हो तो बहुत ही अच्छी थाली वाली भी मिलती है. काफ़ी टाइम पहले खाई है मैंने, अब वापस खाएंगे फिर बताऊँगी, ठीक है. तो अभी न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज लेट मी टेल यू दिस. टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, देखो टाटा को लेके टाटा टी भी है और काफ़ी इसके प्रोडक्ट्स भी आते हैं, टाटा वेरी फेमस. अब यहाँ पर इसमें एक कंपनी है दैट इज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, इट इज़ अ कंपनी दैट ओन्स टेटले टी, राइट. इट हैज़ पार्टनरशिप विद स्टारबक्स ऑल्सो इन इंडिया. ये कंसिडर कर रही है टू बाय अ मेजर स्टेक, मेजॉरिटी स्टेक, 51% शेयर होल्डिंग, 51% स्टेक इन हल्दीराम. हल्दीराम फूड और स्नैक्स इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा प्लेयर है. उसका एनुअल रिवेन्यू अराउंड बताया जा रहा है कि $1.5 बिलियन के अराउंड है, और उन्होंने जो वैल्यूएशन अपनी लगाई है वो है $10 बिलियन की वैल्यूएशन, राइट. अब यहाँ पर बात देखो, ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एज इन अभी टाटा मना कर रहा है कि ऐसी कोई डील नहीं है, लेकिन हालांकि बाद में अगर हो जाए दे बाय दिस दे हैव दिस मेजॉरिटी स्टेक, तो डेफिनेटली फिर ये न्यूज़ हो जाएगी. लेकिन जो अभी आर्टिकल्स में आ रखा है वो यही है कि देयर सीम्स टू बी डिसएग्रीमेंट ओवर द प्राइस ऑफ द डील, क्योंकि टाटा थिंक्स दैट हल्दीराम इज आस्किंग टू मच फॉर मनी एंड स्पेशली कंसिडरिंग इट्स एनुअल अर्निंग्स. सो डिस्पाइट दिस देर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आपको क्या लगता है इसके बारे में, मैं आगे और भी बताती हूँ, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी क्या टाटा के लिए है, क्योंकि हल्दीराम जो है वो एक वेल नोन ब्रांड है, उसका एक मार्केट शेयर जो है कंज्यूमर फूड स्पेस में काफी ज्यादा है. तो अगर मैं आपको नंबर भी बताऊं, तो अगर आप ये देखो 13% शेयर है इसका स्नैक मार्केट के अंदर, हल्दीराम का 13% शेयर. तो
हल्दीराम 1937 के अंदर, इसका ओरिजिन बताऊं तो एक इट वॉज अ टाइनी शॉप दैट वॉज फाउंडेड, और ये अपनी क्रिस्पी भुजिया के लिए जाना जाता था, जो मतलब अब भी मतलब अब मुझे 10 रुपये तक के पैकेट में तो आती है ना, छोटे छोटे पैकेट्स में भी आता है। तो हल्दीराम के जो स्नैक्स हैं दे आर ऑल्सो सोल्ड इन ओवरसीज मार्केट, सिंगापुर, US। तो कंपनी के अराउंड 150 रेस्टोरेंट्स हैं सेलिंग लोकल फूड, स्वीट्स, वेस्टर्न क्यूजीन। तो हल्दीराम को परचेज करना, इट वुड सिग्निफिकेंटली डेफिनेटली ये टाटा की जो कंज्यूमर प्रोडक्ट रीच है उसको एक्सपैंड करेगा ही सही। टाटा कंज्यूमर यूनिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस कंपनी की, इट ऑल्सो सेल सॉल्ट, पल्सेस, मिनरल वाटर, और इसके पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का जो रिवेन्यू रहा था वो था 1.7 बिलियन डॉलर। लेकिन इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। अगर मैं टाटा ग्रुप की एज अ होल बात करूं, जिनका बिजनेस जो है एविएशन में, होटल्स में, ऑटोज, सो इट हैज अ कंबाइंड रिवेन्यू लास्ट साल का जो था वो था 144 बिलियन डॉलर, बहुत ही बड़ा। तो हल्दीराम जो है यहाँ पर, ये इनका जो रिवेन्यू है 2022 का, दैट वाज 981 मिलियन डॉलर्स, राइट। तो बात यही हो रही है, जैसे यहाँ पर आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि जो 10 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन है, जो आप उसका रिवेन्यू है, उसको ट्रांसलेट किया गया है इंटू 6.6 टाइम्स। तो यहाँ ये वैल्यूएशन लगाई गई है, हालांकि उनको ज्यादा लग रही है, तो यहीं पर एक डिसएग्रीमेंट है। लेकिन ये चीज ऑब्वियसली इट विल एक्सपैंड द एम्बिट एंड इट विल बी अ गुड मूव फॉर टाटा ऑल्सो, बिकॉज इट वुड एक्सपैंड देयर प्रेजेंस इन द फूड इंडस्ट्री, विच इज मे अभी इट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर मेन बिजनेस ऑफ सेलिंग टी, राइट। सो देन यू हैव दिस आर्टिकल, ये था एक चर्चा का विषय जिसपे हमने थोड़ी चर्चा करी, जो चीजें ऐसे आर्टिकल्स न्यूज में होते हैं, हमारे आसपास क्या चल रहा है पता होना चाहिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट के हिसाब से भी। और अगर आप चाहे एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की, स्टिल यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, राइट। तो ये चर्चा का विषय उस तरीके से होता है। इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया जो बात कर रहा है दैट बाइडन विल ट्रेवल टू न्यू दिल्ली टू अटेंड दी G20 समिट, पता है ऑन थर्सडे यानी कि आज, ही विल पार्टिसिपेट इन द बाइलेटरल मीटिंग इन फ्राइडे मतलब कल विद मोदी जी। तो यहां पर एक काफी बड़ा आर्टिकल है, बाइडन मोदी टॉक्स टुमारो। तो इस आर्टिकल पे चर्चा कर लेते हैं, ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट आता है इंडिया और यूएस के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। यूएस हैज कंफर्म कि प्रेसिडेंट जो बाइडन एक बायलेटरल मीटिंग रखेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ नई दिल्ली में अहेड ऑफ G20 समिट। ऑल्सो द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग इन्वाइटिंग द लीडर्स ऑफ क्वाड ग्रुपिंग फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर आप जरा मुझे ये बता देना कि क्वाड ग्रुपिंग के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इंडिया है, यूएस है या नहीं है वो आप बताओगे, बाकी और जो दो हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं क्वाड ग्रुपिंग के अंदर, वेयर द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू इन्वाइट देम फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब ये तो है ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इसकी बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और भी बातें देख लेते हैं। देखो इंडिया यूएस के बाइलेटरल रिलेशंस हर सेक्टर में है, एनर्जी सेक्टर के अंदर है, डिफेंस में है, इकोनॉमिक रिलेशंस आपके हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिलेशंस। देखो डिफेंस कॉपरेशन की बात करूं तो अगस्त 2022 में पहली बार, मतलब इट वॉज अ यूएस नेवी शिप दैट विजिटेड इन चेन्नई, किस लिए, फॉर रिपेयर्स एंड अलाइड सर्विसेज। तो ये पहली बार हुआ था, दिस वॉज द फर्स्ट एवर रिपेयर ऑफ अ यूएस नेवी शिप इन इंडिया। आपके यूएस के साथ बहुत से डिफेंस एग्रीमेंट हैं, मैं आपको अगर एक टाइमलाइन दूं, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, 2016, 2018 एंड देन इट गोज 2019 एंड 2020। तो 2016 के अंदर सेवरल डिफेंस एग्रीमेंट्स दीज वर साइन इन दिस टाइम लाइन। 2016 में इट वॉज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 2018 में इट वॉज कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, राइट। 2019 में इट वॉज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। 2020 में बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। कहने का मतलब ये है इंडिया यूएस के डिफेंस रिलेशनशिप जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं, दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव।
अगर आप बाइलिटरल एक्सरसाइजेस भी देखो, आपको पता होना चाहिए आर्मी में युद्ध अभ्यास, स्पेशल फोर्सेस में वज्र प्रहार, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ, और फिर उसके बाद नवंबर 2022 में ऑस्ट्रेलियन नेवी ज्वाइंट दिस यूएस इंडिया जापान मलाबार एनुअल लेवल एक्सरसाइज, राइट? तो डिफेंस रिलेशंस अच्छे हैं. इकोनॉमिक रिलेशन देखो तो यूएस हैज इमर्ज एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2022-23 में. तो बायलेटरल ट्रेड जो है इंडिया और यूएस का बड़ा है, एक्सपोर्ट जो यूएस को जा रहा है वो भी बड़ा है. तो ये नंबर्स हैं कुछ, आप चाहो तो याद रख सकते हो. यूएस का एक्सपोर्ट बड़ा, बेसिकली आपने जो एक्सपोर्ट किया है यूएस को वो बड़ा है. इंडिया और यूएस के जो बायलेटरल ट्रेड है वो बड़ा है. 2020-21 के अंदर इंडिया रिसीव दी हाईएस्ट एवर एफडीआई, 81.72 बिलियन US डॉलर. यूएसए बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई. फिर उसके बाद इम्पोर्ट भी आपने कम किया है. यूएस इज वन ऑफ द टॉप 5 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस फॉर इंडियन एफडीआई. तो आपके जो रिलेशंस हैं, डिफेंस रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, और उसके बाद अगर आप देखो तो आप एनर्जी सेक्टर में चले जाओ. एनर्जी सेक्टर के अंदर 2021 के अंदर यूएस और इंडिया ने लॉन्च किया था यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030, इंडिया यूएस का, जिसके अंदर दो ट्रैक्स थे. पहला था, मतलब दो हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप और क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन. तो इसके अंदर 5 पिलर्स थे, पावर को लेके, रिन्यूएबल एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस, सस्टेनेबल ग्रोथ, इमर्जिंग फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजीज. तो ओवरऑल ये सब कुछ. साइंस एंड टेक में भी बहुत अच्छे कॉपरेशन है इंडिया यूएस का. अब प्रेसिडेंट बाइडन विल अटेंड द G20 समिट इन न्यू दिल्ली. आफ्टर अहेड ऑफ द समिट ही विल पार्टिसिपेट इन दिस बायलेटरल मीटिंग. लास्ट यूएस प्रेसिडेंट जो विजिट करे थे इंडिया को वाज डोनाल्ड ट्रम्प. 2020 में आए थे फेब्रुवरी में. अब ये जो दोनों साइड जो हैं, अब जो मीटिंग होगी, दे विल बी एंगेजमेंट दैट इंक्लूड व्हाट, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ लिस्ट, इन सब पे बातें होंगी. पहला क्या है, अ पॉसिबल न्यूक्लियर पैक्ट ऑन स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर. सो बेसिकली नेगोशिएशंस हो रही हैं दोनों साइड्स में, बिटवीन इधर हमारा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और उधर उनकी इलेक्ट्रिक कंपनी. सो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन इंडिया. नाउ द डिस्कशन ऑन डेवलपिंग दिस नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजीज, इट इज गिवन प्रायोरिटी, राइट? ये डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी है एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्रीज. एकेडमिक प्रोग्राम्स की बात करें तो दोनों साइड्स काम कर रहे हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर भी. जहां पर आप चाहो तो यूएस जाकर पढ़ सकते हो. देर आर ऑन द स्टेम कोर्सेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स. सो दीज विल बी ऑफर्ड फॉर अ लॉन्ग, एक साल का, मतलब फॉर अ ईयर लॉन्ग मास्टर्स डिग्री. और फिर उसके बाद बच्चे जो हैं दे कैन हैव दिस ऑप्शन ऑफ स्टेइंग इन द यूएस फॉर अप टू 3 ईयर्स, यू कैन वर्क देयर. फिर उसके बाद ड्रोन डील, हाईली पावरफुल ड्रोन्स कुछ हैं, इंडिया इज प्लानिंग टू प्रोक्योर देम. फिर उसके बाद जेट इंजन्स को लेके भी डिफेंस सेक्टर के अंदर ही आ जाता है ये. अभी डील अप्रूव हुई, दोनों साइड्स आर वर्किंग टुगेदर टू हैव टुवर्ड्स दिस फास्ट ट्रैकिंग जेट इंजन्स डील. ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करें यूक्रेन के लिए तो वॉशिंगटन एंड न्यू डेली, विच हैव, चाहे दे हैव डिफर्ड ऑन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ रशियाज इन्वेजन. सबको ही पता है यूक्रेन का क्या, यूक्रेन को लेके इंडिया का स्टैंड और रशिया, क्या कहते हैं, यूएस का स्टैंड अलग था. बट वॉशिंगटन हैज सो फार सेंट लीदल वेपन्स एंड इंडिया हैज ओनली सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड, राइट? तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, लेकिन दोनों ने समझ के काम किया है. फिर उसके बाद लास्ट अगर आप देखो तो लिबरल वीजा रिजीम, इंडिया और यूएस प्लान कर रहे हैं टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल फ्रॉम इंडिया टू गेट वीजाज टू विजिट यूएस, राइट? दिस मीन्स दैट इंडियन सिटीजन्स मे फाइंड इट लेस कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको यूएस ट्रेवल करना है, चाहे वो टूरिज्म के लिए हो, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे वो स्टडी के लिए हो. तो दे आर गोइंग टू ओपन न्यू ऑफिस, कॉन्सुलेट्स इन ईच अदर्स कंट्रीज एंड मिनी एम्बेसीज, राइट? ये हेल्प करेंगे विद थिंग्स लाइक इशूइंग वीजा, असिस्टिंग द सिटीजन्स इन नीड, प्रमोटिंग बिजनेसेस, कल्चरल टाइज. तो ये सब कुछ है, राइट? पता होना चाहिए. अब ये सारी चीजें हैं जो आप एड ऑन कर सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर. एंड देखो, हम हमेशा क्या करते हैं,
सबमिट होता है उससे पहले उसके सबमिट के बारे में पढ़ते हैं, फिर सबमिट होने के बाद जो आउटकम्स आते हैं वो। ये इंडिया यूएस की जो मैंने हमने बातें करी है रिलेशनशिप को लेके, हालांकि जो पहले रिलेशनशिप रहा है वो भी थोड़ा देख लिया शुरू से, और अब जो डिस्कशन होने वाली है, जो मीटिंग होगी, वो ऑब्वियसली एक नए रास्ते, नई डील्स और नई सोच, काफ़ी चीज़ें और नई होंगी जिसपे हम ये बात करेंगे। वो हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमारे रिलेशनशिप्स को समझने में जो दूसरी कंट्रीज के साथ है, फॉर दैट मैटर अभी यूएस है, तो ये सिर्फ मेंस के लिए नहीं है। नो प्लीज़ वो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जब हम इस तरीके से डिस्कशन करते हैं, ये आपके इंटरव्यू के लिए भी जाता है। तो ये सेशन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सिर्फ प्रिलिम्स को कैटर करता है या सिर्फ मेंस को कैटर करता है, नहीं, द सेशन जो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन दैट टेक्स योर प्रिलिम्स, दैट टेक्स योर मेंस एंड दैट टेक्स योर इंटरव्यू ऑल्सो इन माइंड। सो दैट इज द पर्पज ऑफ दिस डिस्कशन, टू मेक श्योर कि ऐसा लगे कि आप एक नॉर्मल बातचीत के जरिए से चीज़ों को समझ रहे हो और कैप्चर कर रहे हो, माइंड में सेव कर रहे हो, जो आपके आपकी एक सोच बनाता है और वो सोच आपके इंटरव्यू में भी काम आती है। राइट, ऑब्वियसली मेंस के आंसर में तो आएगी ही सही, दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन राइट इन योर जीएस पेपर टू एज वेल। सो ये सिर्फ पॉइंट्स हैं, यू कैन राइट देम अप, समझ आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर सब समझ आ गया तो ये सिर्फ पॉइंट्स लिख लो और वो डायरेक्टली अपने आंसर्स में मेंशन करो, दैट्स इट। क्योंकि आपको वर्ड लिमिट है, 150-250 वर्ड्स का आंसर लिखना होता है, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते, वो चीज़ों को समझो, कट शॉर्ट करो और आंसर में डालो। राइट, दैट इज द वे। ओके, सो हेयर यू कैन सी द नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें हम एक सांबर डियर की बात कर रहे हैं इन द कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिसर्चर्स डिस्कवर्ड दिस। पढ़ लेते हैं, दो चीजें हैं सांबर डियर के बारे में पढ़ना और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ना। सांबर डियर इज अ लार्ज डियर नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। सो इट इज अ बिग टाइप ऑफ डियर दैट लीव्स इन प्लेसेज लाइक इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया। एंड ये कब एक्टिव होते हैं? दीज डियर लाइक टू कम आउट एंड मूव अराउंड वेन इट्स गेटिंग डार्क, मतलब रात के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे। यू कैन फाइंड देम इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, लाइक ड्राई फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, मिक्स फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हेल्पफुल है टू द एनवायरमेंट दे लीव इन, बिकॉज ये क्या करते हैं, दे स्प्रेड द सीड्स अराउंड वेन दे मूव, तो इससे दे हेल्प द प्लांट्स ग्रो इन देयर होम एरियाज, दैट इज वाई दे आर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। एंड वेयर कैन यू फाइंड देम? दीज डियर लीव इन वाइड एरियाज, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिमालयन माउंटेन्स एंड थ्रू द प्लेसेज इन साउथ एशिया, सदर्न एशिया, आईलैंड में भी, सुमात्रा, ताइवान, यहाँ सब जगह पे आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज इनकी पता चल गई है, वट इम्पॉर्टेंट रोल दे प्ले, एक्टिव ड्यूरिंग डस्क एंड नाइट, एंड कहाँ फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। थोड़ा थ्रेट है, क्या थ्रेट है इनको? हंटिंग का एंड हैबिटेट एनक्रोचमेंट, ये मेन थ्रेट्स है। सांबर हैज डेवलप्ड मोर ऑफ अ नॉक्टर्नल एक्टिविटी पैटर्न, अभी मैंने आपको बताया ही है, एज अ रिस्पॉन्स टू हंटिंग बाय द ह्यूमंस। आप हंटिंग कर रहे हो तो वो तभी उनका जो पैटर्न है, दे हैव दिस नॉक्टर्नल एक्टिविटी पैटर्न, वो रात के टाइम पे दे आर एक्टिव। राइट, तो कंजर्वेशन स्टेटस के अंदर वल्नरेबल है IUCN में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 3 के अंदर है। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैप में आप आज देखोगे। ये सेंचुरी बेसिकली एक वाइटल लिंक है। ये कहाँ पड़ती है? कर्नाटका में। तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चामराजनगर, मांड्या, रामनगर, कर्नाटका के अंदर। तो वहाँ इट स्प्रेड्स ओवर और इट इज अ लिंक बिटवीन बनेरघट्टा नेशनल पार्क इन द नॉर्थ एंड BRT टाइगर रिजर्व एंड मले महादेव हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द साउथ। तीन नदियां हैं, दैट इज दिस एरिया इज ड्रेन्ड बाय कावेरी, अरकावती और शिमशा। मॉइस्ट डेसिडियस, सेमी एवरग्रीन, एवरग्रीन, शोला, रिवराइन, तो ये सारे आपको मतलब वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। टाइगर, लेपर्ड, बाइसन, वाइल्ड डॉग्स एंड एलिफेंट, एंड दिस आर द इंपॉर्टेंट एनिमल्स दैट यू कैन फाउंड। ठीक है, मैप में लोकेट कर लेना जरूर, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो, जब तक चीजें मैप में नहीं देखोगे तब तक बात नहीं बनेगी। दैट इज वाई मेक श्योर कि साथ साथ चीजों को मैप में देखते जाओ और रिविजन जरूर करते जाना। प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली अराइव्ड इन इंडोनेशिया, अभी मैंने आपको बताया ही, टू अटेंड द एशियन समिट एंड ईस्ट एशिया समिट। एशियन के बारे में पढ़ लेते हैं। सो
एशियन स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इट इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज, 10, यूपीएससी पूछ सकती है, इन साउथ ईस्ट एशिया, राइट, दैट वर्क टुगेदर ऑन वेरियस इश्यूज. कब इट वॉज स्टार्टेड? 1967 में, बैंकॉक थाईलैंड. दे मेड एन एग्रीमेंट दैट इज कॉल्ड एशियन डिक्लेरेशन, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोला जाता है. मेंबर स्टेट्स 10 है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एंड वियतनाम. मैप में जरूर देख लो, मैप में देख लोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आसानी हो जाती है याद करने में. किसी के पास कोई निमोनिक है अगर, तो यू कैन डेफिनेटली शेयर इन द चैट सेक्शन, क्योंकि बहुत काम आता है ऐसे निमोनिक्स. कोई भी निमोनिक आप किसी भी देखो, हमें तो सिर्फ पर्पज़ ये है कि मेंबर स्टेट्स याद होने चाहिए. हालांकि एक और न्यूज़ भी है, मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें आप म्यांमार को मैप में और देख सकते हो, क्योंकि एशियन लीडर्स हैव डिसाइडेड टू डिनाई म्यांमार दिस अपॉर्चुनिटी. देखो, रोटेटिंग लीडरशिप होती है ना, अब नेक्स्ट लीडरशिप किसको जाए, वो रोटेटिंग होती है. सो 2026 के लिए एशियन लीडर्स हैव डिसाइडेड टू डिनाई म्यांमार दिस अपॉर्चुनिटी टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ देयर रीजनल ब्लॉक, राइट. तो इसके पीछे का जो रीजन है, दैट इज बिकॉज देखो, मिलिट्री टेक ओवर हुआ इन म्यांमार, एंड म्यांमार की इकोनॉमी, इट हैज कोलैप्स्ड विद नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन नाउ लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. सो ये इश्यूज म्यांमार के अंदर चल रहे हैं, कंसर्न्स हैं, एंड द रीजन फॉर दिस एक्सक्लूजन इज, जो एशियन डिप्लोमैट्स हैं, दे हैव सजेस्टेड दिस म्यांमार इंक्लूजन, इट इज रिलेटेड टू देयर ओन गोइंग सिविल स्ट्राइक ओनली, राइट, विद इन देयर ओन कंट्री. सो दैट इज वाई इन दिस दे हैव टेकन दिस डिसीजन. सो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्वियसली, कि आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है. यूपीएससी ने 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था इसको लेके, वो ये था, एशियन के फ्री ट्रेड पार्टनर्स, कुछ उन्होंने कंट्रीज के नाम लिखे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, ऐसे करके कंट्रीज के नाम दिए, एंड दे आस्क्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव आर अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियन. तो इसीलिए बोल रही हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है. देन हमने इसकी बात कर ली, हाँ, म्यांमार के बारे में इसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है दैट आई हैव शेयर्ड विद यू. नाउ मूविंग अहेड, थोड़ा सा और इसके बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट डज एशियन डू, सबको ही पता है, कंट्रीज कॉपरेट ऑन मेनी थिंग्स, मिलिट्री मैटर्स हो गया, पॉलिटिकल इशूज, सिक्योरिटी, कल्चरल एक्सचेंज, दे वॉन्ट टू ब्रिंग दीज कंट्रीज क्लोजर टूगेदर, बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, नॉट जस्ट अमंग देमसेल्व बट ऑल्सो विद द कंट्रीज इन एशिया, राइट. सेक्रेटरीट हेडक्वार्टर जकार्ता में है, इंडोनेशिया के अंदर, एंड हर साल वन ऑफ द एशियन मेंबर कंट्रीज टेक्स ऑन द रोल ऑफ द चेयर, राइट, दे लीड एंड दे ऑर्गेनाइज मीटिंग्स एंड एक्टिविटीज फॉर दैट ईयर. सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं विद इन एशिया, दे आर यूजली मेड बाय टॉकिंग एंड कंसल्टिंग विद ईच अदर, दे ट्राई टू रीच ऑन एन एग्रीमेंट दैट एवरी वन इज ओके विद, एंड दे डू दिस बाय टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, नॉन इंटरफेरेंस एंड पीसफुल रेजोल्यूशन. And peaceful resolution. This means they don't get involved in each other's internal matters of affairs. They respect each other's sovereignty and they work towards solving problems and conflicts in a very peaceful manner without any violence. Next, you have this East Asia Summit. Now, see, the EAS is a special meeting where leaders from 18 countries in Asia Pacific region, they come together to talk about important things. Peace, security, making life better for the people. It was started in 2005. Established in 2005 to give the important leaders in the Asia-Pacific region a chance to discuss the important issues. 18 member countries हैं, 10 तो एशियन से ही आते हैं, बाकी 8 कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया, यूएस, इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना. What is special about it? ये यूनिक है. Because it is driven by the leaders themselves. They use this forum to discuss the things that matter to the whole region, like keeping peace, making life better for everyone, right? So it is closely connected to ASEAN also. And the idea is that ASEAN plays a central role in this summit. It is like the heart of the discussions, right? Ye ho gaya.
देन यू हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस मालवीय मिशन. किसने लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एडुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च दिस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय यूजीसी एट कौशल भवन न्यू दिल्ली. मालवीय मिशन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है टीचर्स के लिए, मतलब उन फैकल्टी मेंबर्स के लिए जो हायर एडुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं, टू बिल्ड देयर कैपेसिटी. सो इट विल हेल्प इन बिल्डिंग कैपेसिटीज ऑफ 15 लाख टीचर्स ऑफ हायर एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड 111 मालवीय मिशन सेंटर्स थ्रू दीज सेंटर्स इन द टाइम बाउंड मैनर. टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, बिल्डिंग लीडरशिप स्किल्स इन टीचर्स, हेल्प टू रियलाइज द गोल ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट? सो ओवरऑल मिशन का पर्पस आपको समझ आ गया होगा. सो दिस बेसिकली दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, अंडर दिस प्रोग्राम इट विल बी लिंक टू अ क्रेडिट सिस्टम, विच मीन्स द टीचर्स कैन यूज इट टू एडवांस इन देयर करियर्स. इट विल हेल्प देम टू हैव क्लियर पाथवेज फॉर करियर ग्रोथ इन एजुकेशन एज वेल. यहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स टू बी रीवैम्प, दे विल बी नोन एज मदन मोहन मालवीय टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स. मदन मोहन मालवीय एक एडुकेशनिस्ट रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं. ही वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 4 बार एंड ही अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो 1931 के अंदर. हिंदू महासभा ही फाउंडेड 1906 में. एज एन एडुकेशनिस्ट बात करें तो ही फाउंडेड BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में 1916 में. ही वॉज द वाइस चांसलर ऑफ BHU फ्रॉम 1919 to 1938, राइट? तो आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी. दिस वॉज इट फॉर टुडेज सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, चीज़ें क्लियर हो गई हों. कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन कॉमेंट बॉक्स. सो विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. टिल देन टेक केयर एवरी वन, गुड लक, गुड विशेज. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.